कि चर्च का जमीन को, सरकारी जमीन को उन्होंने हड़पने का काम किया है और अपना मॉल ठोकने का काम किया, सबसे पहले केस हम करेंगे उनके ऊपर। जलने वाले जलते रहे, हवा में उड़ते रहे, मिट्टी में मिलते रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज जमानत हुई है, झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, जिसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खुशी का जश्न का माहौल है। लेकिन कोरोना संकट का दौर है, ऐसे में सभी इस वक्त इस महामारी को देखते हुए सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, उतनी जश्न नहीं मना रहे हैं, लेकिन हाँ खुशियाँ हैं। और ये खुशियाँ आप दिखने लगी हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, उनकी आवाज़ से ठीक बाहर मेरे पीछे आप देख सकते होंगे जगमग करते हुए ये जो लाइट्स हैं, ये दिए जल रहे हैं, खुशियों के दिए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास के बाहर दिए जलवाए हैं, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तेज प्रताप यादव अपने पिता के घर वापस आने की खुशी में दिए जलाने शुरू कर चुके हैं। और कल ही उनका जन्मदिन था, कल ही उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता आप मेरे साथ रहें। और ठीक एक दिन बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है, तस्वीर आप देख रहे होंगे जगमग दियों की रोशनी में, ये तेज प्रताप यादव का जो सरकारी आवास है 2 Hamilton Road वो डूब चुका है। तो आप तस्वीर देख रहे होंगे कैसे तेज प्रताप यादव जो हैं वो हाथों में पिता लालू प्रसाद यादव की फ़ोटो लेकर बाहर निकले हैं, दिए जलाए जा रहे हैं उनके आवास के ठीक बाहर, आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे होंगे। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा में राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर भी पलटवार किया, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। आज पूरा असली में जो पर्व है, आज समझिए कि पूरा पर्व आज छठ का भी है, छठ पर्व भी है, फिर से आज देखिए कि सब लोग कितने जो पार्टी के लोग हैं वो होली भी मनाने का काम किए हैं और सब पर्व त्यौहार भी मनाने का काम किए हैं, और मुसलमान भाई का रमज़ान भी है, रमज़ान भी मनाने का काम आ रहा। तो भगवान ऐसे सिचुएशन को देखते हुए आज के दिन को चुनने का काम किया, और पिताजी का जो जिस तरीके से भगवान ने हमारी प्रार्थना को और बिहार की तमाम लोगों के करोड़ों नौजवान और पूरी महान जनता का प्रार्थना को स्वीकार करने का काम किया है, और शुरू से ही हम लोग को न्यायालय पर पूरी तरीके से भरोसा था, और आज जो भगवान देने का काम किया है तो इसलिए आज हम, जब भगवान राम जब रावण को परास्त करके जब अपने घर लौटे थे अयोध्या, तो उसी तरीके से हम लोग अपने प्रभु श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का और महादेव का इंतजार में है। कल आपका बर्थडे था, आप खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन आज आप खुश लग रहे हैं। कल जिस तरीके से पिताजी नहीं थे और आज हम, अब हम लोग के बीच में आएंगे, और कल का जो जन्मदिन था ठीक तरीके से हम लोग नहीं मनाए उतना खुशी तरीके से, और आज हम लोग बहुत खुश हैं, अब हम लोग के बीच में आएंगे और उसके बाद हम लोग अपना अपना कार्यक्रम लगाएंगे। कोरोना को लेकर के अभी पिताजी रहेंगे अभी एम्स में, और पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंस का सब लोग पालन करें, मास्क वोस्क लगाएंगे। हाँ लेने जाएंगे, क्यों नहीं पिताजी को जाने जाएंगे। किसान मोदी ने अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि लालू यादव की रिहाई हुई है, लेकिन अगर आरजेडी के कार्यकर्ता अति उत्साह में जश्न मनाते हैं अगर ज्यादा, तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन पर कार्रवाई भी होगी। अभी से डराने लगे, डराएंगे क्या, वो कार्रवाई करेंगे तो सबसे पहले PIL तेज प्रताप यादव करेगा उनके ऊपर, सबसे पहले PIL तेज प्रताप यादव करेगा उनके ऊपर कि चर्च का जमीन को, सरकारी जमीन को उन्होंने हड़पने का काम किया है और अपना मॉल ठोकने का काम किया, सबसे पहले केस हम करेंगे उनके ऊपर। चलो तो आपकी खुशियां देखकर कुछ जलन हो रही है, देखिए जलने वाले जलते रहे, हवा में उड़ते रहे, मिट्टी में मिलते रहे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल आगे बढ़ते जाना है, हमारी महान जनता का हमारे साथ है और ये भगवान का पूरे तरीके से आशीर्वाद हमारे साथ है कि आज के दिन भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं चुने हैं इस दिन को कि सारे जाति सारे बिरादरी पूरे तरीके से एक साथ होकर के गोलबंद होके, और सारे लोगों का पर्व है और इसी दिन को चुनने का भगवान ने काम किया था। अब जैसे ही आएंगे उसी तरीके से नीतीश कुमार जी की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार कुछ कहने से मना कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पता हो गया है कि हम जाने वाले हैं, इसीलिए सरकार गिर गया है, सरकार खत्म हो गया। कोरोना का दौर चल रहा था जी, अस्पतालों की व्यवस्था आप देख रहे होंगे, अस्पताल का व्यवस्था पूरे तरीके से बेकार है शुरू से।
जब से ये लोग सरकार में आए हैं और डबल इंजन की सरकार आई है चोर दरवाजे से, तब से अस्पताल पूरे तरीके से कोमा में है। रोज 7,000 मरीज मिल रहे हैं और मंगल पांडे कह रहे हैं कि हम 100 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। 100 बेड का क्या, वो अस्पताल में आधा रात में वो जाते हैं अपने आवास से निकल के अस्पताल में औचक निरीक्षण किए हैं कभी जिंदगी में? हैसियत है उनका जाने का? अपनी तमाम बातों को सुना है, बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। खुशियों का त्यौहार मनाया जा रहा है तेज प्रताप यादव की ओर से, पूरे आरजेडी के नेताओं समर्थकों की ओर से, धन्यवाद।